ऐसी कोई शोभा अल्लाह के रसूल सल्लम नहीं छोड़ा जिसके लिए हमारे लिए नमूना ना हो कि गलती करना इंसान की फितरत है। इंसान गलती का पुतला, उससे गलती होती ही है। रोज़े क़यामत मीज़ान के अंदर यानी जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे भारी चीज़ उसके अंदर अखलाक होगी। तो इस्लाह का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लम का सब अलग अलग हुआ करता था। छोटों की इस्लाह कैसी करना है, बड़ों की इस्लाह कैसा करना है, कौम का बड़ा है तो कैसी इस्लाह करें, लीडर है तो कैसी इस्लाह करें, गरीब है तो कैसी इस्लाह करें, अनपढ़ है तो कैसी इस्लाह करें, सारे मामला अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी। किसी ने तावीज पहन रखा है, हम सीधे जाकर तावीज शिर्क, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, जहन्नम। अरे भाई पहले से पूछे तो सही, पहना क्यों उसने? वो ज़्यादा अगर कोई गजबनाक हो सकता है तो अल्लाह हो सकता है। तो आप कितने गजबनाक हो रहे कि दो बार समझाने में आपको बिल्कुल ऐसा गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। तो ये उल्टा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम अकेले थे, दीन आया लोगों के पास में गए, और हमारे पास में अब सबके साथ थे, हमारे पास दीन आया, हम अकेले चले गए। अगर किसी को बाप देखना हो कि बाप कैसा होना चाहिए तो देखे फातिमा के बाप। देखना है ससुर, देखना है कि ससुर कैसा होना चाहिए तो हजरत अली के ससुर को देखे। अगर किसी को ये देखना है कि दोस्त कैसा होना चाहिए तो देखे अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर और हजरत उस्मान के दोस्त को। अगर शोहर देखना है किसी को तो देखे आयशा रजीना ताला और खदीजा रजीना ताला के शोहर। किसी को नाना देखना है तो हसन और हुसैन के नाना को देखे कि वो नाना कैसा होता है। उस्ताद साहबा के उस्ताद भी थे, वो टीचर भी थे, तो उसके अंदर भी हमारे लिए नमूना। तो ऐसी कोई शोभा अल्लाह के रसूल सल्लम नहीं छोड़ा जिसके लिए हमारे लिए नमूना ना हो।